बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लबैक 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 या रसूलल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ए खास ए खासान रसूल, वक्त दुआ है, अशकों की रवानी से अजब हशर बपा है। है सारा जहां दर पे आजार हमारे, बुझते ही चले जाते हैं उम्मत के सितारे। नुकसान पे नुकसान, खसारों पे खसारे, दुआ दे दीजिए दुआ ताकि खुदा हाल संवारे। ये वक्त गुलामान मोहम्मद पे कड़ा है, ए खास ए खासान रसूल, वक्त दुआ है। मैं तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से फलस्तीन के मुसलमान पर जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए उसकी सख्त मजम्मत करती हूँ। आज के लिबरल्स मुसलमान कहते हैं दीन इस्लाम अमन से फैला है, मैं कहती हूँ दीन इस्लाम अमन और जिहाद दोनों से फैला है। जब हमारे आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया से जाहिरी पर्दा फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के हुजरे मुबारक की दीवारों पर तलवारें मुबारक लटक रही थीं। इस बात से हम मुसलमानों को ये पैगाम मिलता है कि हमारे आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों की फतह और बुलंदी के लिए जिहाद पसंद फरमाया। पाकिस्तान की गयूर अवाम को बेवकूफ बनाना बंद करें कि हम यूरोपीय यूनियन में बात करेंगे, हम अक्वामे मुत्तहिदा में बात करेंगे, जिनकी सरपरस्ती में पूरी दुनिया के मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाया जा रहा है, उन्हीं से मुसलमानों के हुकूक की बात करने की जा रही है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है, ये एटम बम दिखाने के लिए नहीं रखे गए हैं, ये एटम बम मुसलमानों और पाकिस्तान की दिफा के लिए रखा गया है। हम वजीर आजम से मुतालबा करते हैं कि इसराइल को वाज़े पैगाम दें कि फलस्तीन पर जुल्म सितम को खत्म करके अपना कब्जा खत्म करें, वरना हम इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। पाकिस्तान की गयूर अवाम और तहरीक लबैक पाकिस्तान के कायदीन और कारकुनान जहाद में पाक फौज के शाना बशाना खड़े होंगे इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगी कि वो संग गिरा जो हाइल है रस्ते से हटाकर दम लेंगे, वो संग गिरा जो हाइल है रस्ते से हटाकर दम लेंगे। हम राह हक के रहरू हैं, मंजिल पे ही जाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बज्म जहां महकाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। मन सब्बा नबीयन फक्तलुहू,